हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल कार सिलेक्टर्स पे। और आज हम आपको दिखाएंगे मारुति एस क्रॉस का फुल रिव्यू। आज हम आपको इसका सारा कुछ बताएंगे, प्राइजेस, फीचर्स, तो वीडियो को एंड तक देखते रहें। ये एक एसयूवी कार है जो इंडिया में कई सालों से लॉन्च हुई हुई है और ठीक ठाक बिकी जाती है। हम पहले इसकी प्राइजिंग की बात कर लेते हैं। इसकी आपको इंडिया में प्राइजिंग मिलती है 8.85 लाख टू 11.48 लाख तक। और इसमें आपको 1248 सीसी का डीजल इंजन मिल जाता है। इसका पेट्रोल इंजन भी 2020 अप्रैल तक लॉन्च हो जाएगा, तब भी हम इसका आपको फुल रिव्यू दिखाएंगे। और अब हम बात कर लेते हैं इसके कुछ स्पेसिफिकेशंस की। 25 kmpl की इसमें आपको एवरेज मिल जाती है और 88 bhp की ये पावर जनरेट करता है। सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन में आती है और 48 लीटर का इसका फ्यूल टैंक है। और अब हम इसके फ्रंट की बात करें तो फ्रंट ग्रिल में आपको सिल्वर कलर में इसकी स्किड प्लेट्स मिलती हैं जो इसको बहुत ही स्पोर्टी लुक देती हैं। और ये हाफ के नीचे आ जाती है। और इसकी फ्रंट लाइट में फोग लाइट विद क्रोम गार्निश मिल जाता है। और इसके प्रोजेक्टर हेडलैम्प आपको बहुत बढ़िया मिल जाते हैं। एडजस्टेबल प्रोजेक्टर हेडलैम्प है और डे टाइम रनिंग DRLs विद इंडिकेटर्स मिल जाते हैं। रियर में आपको इसके LED टेल लैंप्स मिल जाते हैं विद टर्न इंडिकेटर्स, LED रियर कंबाइन लैंप्स मिल जाते हैं। इसके साइड की बात करें तो हीटेड एंड इलेक्ट्रिक ORVMs इसके साइड में आपको मिल जाते हैं। ये सिर्फ जेटा और अल्फा वेरिएंट में मिलते हैं, दूसरों पे नहीं मिलते। और इसमें आपको बॉडी कलर्ड हैंडल्स मिल जाते हैं, डोर हैंडल्स। और इसकी फ्रंट की और बात करें तो इसमें आपको रेन सेंसिंग ऑटोमेटिक वाइपर्स मिल जाते हैं। ये सिर्फ आपको अल्फा वेरिएंट में मिलते हैं, नीचे वाले वेरिएंट्स में आपको मैनुअल मिल जाते हैं ये। और इसके टायर्स की बात करें तो 16 इंचेस के इसमें आपको अलॉय व्हील मिलते हैं। लोअर वेरिएंट्स में आपको व्हील कप्स मिलते हैं 15 इंचेस के। और इंजन की बात करें तो 200 Nm का टॉर्क प्रोवाइड करता है ये इंजन आपको और 90 PS की पावर और 1248 cc का है। इसकी ग्रिल आपको वर्टिकल स्लेट ग्रिल मिल जाती है जिसमें स्लेट लाइंस मिल जाती हैं आपको। इसके कलर ऑप्शंस की बात कर लें तो इसमें आपको ब्लू, ब्राउन, ग्रे, सिल्वर और वाइट कलर का ऑप्शन मिल जाता है मारुति एस क्रॉस में। और अब हम बात करते हैं इसके कुछ इंटीरियर फीचर्स की। इसके कुछ इंटीरियर के फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको होम ट्रिम डैशबोर्ड मिलता है, फुल्ली ब्लैक डिज़ाइन का आपको इसमें थीम मिलता है इसके इंटीरियर में, आप देख सकते हैं। इसके स्टेयरिंग व्हील की बात करें तो इसमें आपको 3-स्पोक मल्टीफंक्शनल स्टेयरिंग व्हील मिलता है जो आपके इंफोटेनमेंट सिस्टम को भी कंट्रोल करेगा। और लेदर रैप्ड स्टेयरिंग व्हील मिलता है। और इसमें आपको पुश बटन स्टार्ट का भी ऑप्शन मिल जाता है। ये सिर्फ आपको जीटा और अल्फा वेरिएंट में मिलता है, बाकी वेरिएंट्स में आपको की स्टार्ट मिल जाता है। और इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें तो स्मार्ट हाइब्रिड टेक्नोलॉजी मिल जाती है। नीचे आपको फ्यूलिंग का मिल जाता है, बीच में आपको स्क्रीन मिल जाती है छोटी सी, 220 इसकी हाईएस्ट स्पीड दी हुई है। इसकी बूट स्पेस की बात करें तो इसमें आपको बूट स्पेस मिलती है 353 लीटर्स की बूट स्पेस। इसकी कंपटीटर से तो छोटी है पर सफिशिएंट है। इसमें आपको सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है विद 5-स्पीड गियर। और कुछ सेफ्टी फीचर्स की बात कर लें तो सेफ्टी में आपको ड्यूल एयरबैग विद एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम विद इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक डिस्ट्रीब्यूशन एंड सीट बेल्ट प्रीटेंशनल और आइसोफिक चाइल्ड सीट्स मिल जाती हैं आपको इसमें। इसमें आपको 2 डिस्क ब्रेक्स मिल जाते हैं जो सिर्फ फ्रंट में, और रियर में आपको इसके वाइपर मिल जाता है विद डिफोगर। और इसके इंजन की बात करें तो एक बार ही तो इसमें BS4 इंजन मिलता है, बाद में इसमें BS6 इंजन आने लगेगा। और ये आपको 60x40 की इसमें आपको स्प्लिटिंग सीट्स मिल जाती हैं जिसे फोल्ड करके इसकी बूट स्पेस बन जाती है 810 लीटर की। बाकी स्पेस वगैरह के मामले में अपने कंपटीटर से तो कम है ये, बाकी इसमें कंफर्ट सबसे ज़्यादा मिलता है। और ऊपर आपको इसमें केबिन लाइट्स मिल जाती हैं। बाकी इसका स्टेयरिंग व्हील आपको टिल्ट स्टेयरिंग व्हील मिलता है और टेलीस्कोपिक स्टेयरिंग व्हील आपको सिर्फ डेल्टा वेरिएंट में मिलता है। और आपको इसमें सनग्लास होल्डर मिल जाता है, ये भी सिर्फ अल्फा और जीटा वेरिएंट में ही मिलता है। बाकी इसके अल्फा और जीटा वेरिएंट में बहुत ही फीचर मिलते हैं,
इसकी प्राइसिंग वगैरह भी ठीक है, तो आपको जीटा वेरिएंट ही लेना चाहिए इसका, अगर फीचर्स वगैरह लेने हैं। बाकी कार का कोई भी वेरिएंट लिया जाए, कार में फीचर्स जो ज़रूरत है वो सारे हैं ही। बाकी कार बहुत ही अच्छी है, कोई मर्जी वेरिएंट लें आप। अगर आपको फीचर्स चाहिए तो आप जीटा या अल्फ़ा वेरिएंट में से कोई लें, नहीं तो आपके लिए दूसरा वेरिएंट भी सही है। इसके पेट्रोल वेरिएंट के भी लॉन्चिंग पर हम बात करेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।